हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मचमोर में। ये है वीडियो टू इस बार के दिवाली के पहले, जहां मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ सुंदर डेकोरेशन आइडियाज। कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जिन्हें रख के हम अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। और दिवाली पे मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा एलिमेंट जो होता है डेकोर का, वो हो सकता है गेंदे के फूल। तो गेंदे के फूल को आप साबुत या फिर तोड़कर तरह तरह से सजा सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे लिविंग रूम में ये दो लेजेस हैं, जहाँ पे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी गेंदे के फूल डाले थे, यहाँ पर भी मैं वही डाल रही हूँ। साथ ही मैं कुछ शोपीस रखूंगी पिछले वाले से अलग। ये आर्टिफिशियल प्लांटर है, बहुत ही सुंदर। फ्लोर पर आप इस तरह से फ्लावर्स की रंगोली बना सकते हैं, और उरली बोल में आप पानी डालकर उसके ऊपर भी पंखुड़ियाँ डाल सकते हैं। हमारे पास ऑरेंज कलर के गेंदे के फूलों के गार्लैंड है, और साथ में ये वाले हैं जो ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन है। इसे मैं यहाँ पर मास्किंग टेप यूज करके लगा रही हूँ। ये समई है, ये भी बहुत सुंदर होती है और नॉर्मली पूजा के समय इसका यूज किया जाता है। और ये है प्यारे से लैंटर्न येलो और टील कलर में, ये भी बहुत प्रिटी लगते हैं। फ्लोर को आप कुछ इस तरह से सजा सकते हैं। ये गोल मैट डाइनिंग टेबल मैट है जिसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। प्रिंट बहुत सुंदर है इसके ऊपर, और ये जो आर्टिफिशियल गार्लैंड है इसके चारों तरफ मैं लगा रही हूँ। अब इसके बीच में सीधे आप कोई पीस रख सकते हैं, या फिर एक स्टूल रख के उसके ऊपर आप कोई डेकोर का पीस रख सकते हैं। ये है पॉली सिल्क मटेरियल के बहुत ही ब्यूटीफुल कुशन कवर्स, एलिफेंट प्रिंट वाले हैं, और सारे के सारे जो कलर कॉम्बिनेशंस है बहुत ही अमेजिंग है। 5 का सेट है पर मुझे 4 की ही ज़रूरत है। और ये है पॉम पॉम के गार्लैंड्स, मतलब इसमें छोटे छोटे पॉम पॉम मोती और आखिर में बेल लगे हुए हैं। अगर आपके पास कोई कलरफुल कारपेट नहीं है तो आप कोई न्यूट्रल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। सेंटर टेबल को भी आप फ्लावर्स और अरोमा डिफ्यूजर यूज करके सजा सकते हैं। प्लांट्स रखे लिविंग रूम में अगर आपके पास है कुछ समय के लिए, आप टेरेस से बालकनी से उन्हें अपने लिविंग रूम में मूव करें। स्टूल पर आप इस तरह से या फिर डायरेक्टली फ्लोर पर रंगोली बना सकते हैं। ये एक्रेलिक रंगोली है, ये अलग अलग पीसेस में मिलती है और आपको इन्हें बस अरेंज करना होता है। दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। फ्लोर से ज़्यादा ये वाइट वाले स्टूल पर वाइब्रेंट लग रही है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे इस पर ही रखा जाए। ये लोटस शेप के दिए हैं जो हम पूजा में भी यूज करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। इन्हें ऐसी जगह पर मैं रख रही हूँ जहाँ से पर्दे और कपड़े दूर है, और साथ ही मैं कुछ फूलों को यूज करके इन्हें सजा रही हूँ। आप चाहे तो फूलों की पंखुड़ियाँ भी इसके अगल बगल लगा सकते हैं। ये एक शोपीस बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है इस बार, बहुत ही सुंदर। ये MDF के बने हुए लोटस है और नीचे झुमका लगा हुआ है। ये है टेबल रनर, इस पर भी एलिफेंट प्रिंट है। एक्चुअली मैच हो गए हैं ये कुशन के साथ, जबकि अलग अलग लिए थे। सबसे पहले देख लेते हैं डे टाइम वाले शॉट्स। ब्राइट कलरफुल कुशंस बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ये पॉली सिल्क के हैं, एलिफेंट प्रिंट वाले। सेंटर टेबल अगर आप चाहें तो पूरी तरह से भी पंखुड़ियों से सजा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। लेजेस की डिजाइन मैंने इस वीडियो में सिंपल रखी है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर दिए रख सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन आपके दिए जो है उनका बेस ज्यादा गर्म हो जाता है या नहीं होता है, तो नीचे कोस्टर्स रखें। उरली बोल भी बहुत सुंदर लग रहा है, रात को मैं इसमें दिए भी लगाऊंगी, फ्लोटिंग दिए लगाऊंगी। और ये जो कॉर्नर का डेकोरेशन है ये भी बहुत सुंदर लगता है, जहां लोगों का ज्यादा आना जाना ना हो वहां पर आप इसे लगा सकते हैं। आपके हमेशा वाले ही डेकोर के पीसेस, अगर उनमें कोई नया एडिशन है, उनकी जगह बदल के उन्हें अलग तरह से प्रेजेंट करके आप बार बार यूज कर सकते हैं। ये एक्रेलिक रंगोली भी बहुत सुंदर लगती है और बहुत ईजी टू मेंटेन भी है। ऑरेंज गेंदे के फूल वाले गार्लैंड्स हमने हमारे डाइनिंग टेबल के पीछे वाली वॉल पर लगाए हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और ये जो लोटस वाले झुमके हैं ये बहुत ही सुंदर है, इन्हें मंदिर के पीछे किसी भी दीवार पर कहीं पर भी लगाया जा सकता है। ये बहुत अच्छी फिनिशिंग के हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इस बार का ट्रेंडिंग डेकोर आइटम है ये। ये देखिए डाइनिंग टेबल के पीछे वाली वॉल इस वजह से बहुत सुंदर लग रही है। अब देखते हैं रात वाले शॉट्स। टी लाइट कैंडल्स बड़ी आसानी से फ्लोट हो जाती है उरली बोल में, तो बस थोड़ी सी पंखुड़ियाँ साइड में करें और वहाँ पर इसे रखें।
अपने आप फ्लोट होने लगेंगे। बस बहुत ज़ोर से ना रखें, एकदम हल्के से रखें और उसके बाद आप इन्हें जला सकते हैं। ये फ्लोट करती हुई कैंडल्स बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है पंखुड़ियों के बीच में। इनके अंदर भी मैंने टी लाइट कैंडल्स रखी है। टी लाइट कैंडल्स में परफ्यूम्ड वाली भी मिलती है, आप वो भी लगा सकते हैं, उनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये है समई, जिसे पूजा में यूज़ करते हैं, एज अ डेकोर पीस भी ये बहुत सुंदर लगती है। बाकी तो कुछ चीज़ें हमेशा वाली है जो हमारे इस वुडन चेस्ट पर हमेशा होती है। और फेरी लाइट्स को पूरा गोल गोल घुमाकर हमने जार में डाल दिया है। यूएसबी वाली ये फेरी लाइट्स हैं, तो पावर बैंक से अटैच कर दी है। दिवाली डेकोरेशन दिन में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन रात को ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। मैंने अपने लिविंग रूम की येलो लाइट्स ऑन की है। सफ़ेद यानी जो नॉर्मल वाइट लाइट होती है, उसमें ये डेकोर थोड़ा सा अलग दिखेगा। येलो लाइट में भी काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है इस तरह के फेस्टिवल्स के टाइम। ये देखिए, ये लाइट बड़ी सुंदर लगती है। आप चाहें तो ये लाइट अपनी विंडो पर लगा के शेयर कर्टन्स पूरे खोल सकते हैं। कर्टन्स के पीछे, वाइट कर्टन्स के पीछे से भी ये लाइट बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। थोड़ी सी डिफ्यूज़ हो जाती है और अलग ही लुक आता है। आपको आज की वीडियो के जो डेकोर आइटम्स हैं, इनमें से सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी और क्यों? मुझे तो पर्सनली वो लोटस बहुत पसंद आए। बाकी की भी चीज़ें बहुत सुंदर है, पर वो लोटस कुछ नए हैं और दिखने में बड़े प्यारे हैं। दिए और कैंडल्स से घर को सजाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि दिए के अगल बगल से आपका ज़्यादा आना जाना ना हो, और या फिर उसके आसपास कोई पर्दे या कपड़े ना लटके हों। ये लोटस वाले दिए और ये लोटस वाले झुमके बड़े प्रिटी हैं, रात को भी ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मजमूर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।